हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के करंट स्टेटस में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, चाहे इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की समस्या आ रही होगी, चाहे सस्पेक्ट एज की समस्या आ रही होगी, चाहे आपका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या आ रही होगी, या फिर कोई भी समस्या, कुछ समस्याएं तो ऐसी है जैसे अटेंडेंस लेस देन 75% हो गया, या फिर आपके दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था, अगर आपके भी अटेंडेंस लेस देन 75% की समस्या है तो इसके लिए आपको तत्काल प्रभाव से कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना है। हो सकता है क्योंकि आपको तो करेक्शन का मौका भी शायद नहीं मिला होगा, इसलिए कि आपके में अगर केवल अटेंडेंस की समस्या होगी तो और कोई समस्या होगी मार्क्स मिसमैच की और अटेंडेंस की, तो मार्क्स मिसमैच वाली ऑप्शन मिला होगा तो हो सकता है आप करेक्शन करते हैं, फिर से आप कहिए कि कॉलेज लेवल से वेरीफाई होगा। तो लिंक जब ओपन होगा तो अगर आप कॉलेज से बात करते हैं, कॉलेज वाले आपका अटेंडेंस 75+ कर देते हैं, तो इस केस में आपका भी फॉर्म आगे चल के वेरीफाई हो सकता है। आप कॉलेज में इसके लिए अलग से एप्लीकेशन भी देंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जिन बच्चों में अटेंडेंस की समस्या आ रही है, फिर और भी कोई समस्या आ रही है जो ऑफलाइन तरीके से जिसका कहिए कि निवारण है या फिर सोल्यूशन है, अब इसमें तो आपको ही अपने स्तर से दौड़ धूप करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जो ऑनलाइन तरीके से जो करेक्शन होगा या फिर जो करना था, मैंने आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड किया था कि हाँ ऐसे ऐसे करेक्शन कर लीजिए, ये करेक्शन होने वाला है। अगर आपके में कोई ऐसी समस्या है जिसका सोल्यूशन ऑफलाइन तरीके से है, यानी कि आपको खुद कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन वगैरह देना होगा या फिर जो भी करना होगा, तो इसमें मैं तो आपके कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन दूंगा नहीं, वो आपको अपने स्तर से अपना काम करना होगा। अगर आप दौड़ धूप नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, कोई डाटा गलत है, तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको भी मालूम है कि आपको यहाँ से यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आज आपके पास आखिरी मौका है, आज आपका 15 फरवरी 2024, और आज आपके पास एक दिन का आखिरी मौका है। जिन भी बच्चों को करेक्शन कराना हो, चाहे ऑफलाइन तरीके से कुछ कहिए कि डाटा अगर एप्लीकेशन वगैरह कॉलेज में सबमिट करना हो, उसकी भी लास्ट डेट आज ही है। बाद में लेकर के जाएंगे तो बाद में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आज ही आपको जो करना है वो करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों के मैसेज वगैरह आए हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, जब आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया होगा तो इस तरीके से मैसेज आया होगा कि योर यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर इतना फॉर्म इज फुली सबमिटेड। उसके बाद से आज के डेट में और एक बार नहीं, दो बार इनका मैसेज आया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2:21 AM, यानी कि मॉर्निंग में सुबह मैसेज आया। मैसेज में क्या है, योर यूपी स्कॉलरशिप ईयर 2023-24 रजिस्ट्रेशन नंबर इतना 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 इज अंडर सस्पेक्ट, यानी कि सस्पेक्ट संदिग्ध की स्थिति में है। काइंडली चेक सस्पेक्ट रीजन इन योर लॉगिन, थैंक्स बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट। हो सकता है यहाँ पे जो आपका मैसेज आया होगा, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करके आ रहा था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी करके आ सकता है, या फिर जो भी आपकी कैटेगरी होगी, कास्ट कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी या फिर माइनॉरिटी, उस हिसाब से आपका आएगा कि हाँ बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर डिपार्टमेंट या फिर जो भी आपकी होगी उस हिसाब से आएगा। ये मैसेज 2:21 पर आया है एएम में, यानी कि मॉर्निंग में ही। और फिर से एक और मैसेज आया है दोबारा, क्योंकि इन्होंने करेक्शन नहीं किया होगा तो बार बार ये मैसेज आ रहा होगा। फिर से वही मैसेज आया है कि योर यूपी स्कॉलरशिप ईयर 23-24 रजिस्ट्रेशन नंबर इतना 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 इज अंडर सस्पेक्ट, काइंडली चेक सस्पेक्ट रीजन इन योर लॉगिन, थैंक्स बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट। और ये 4:23 पर आया है और ये जो मैसेज है इनका लगभग लगभग 2:21 पर आया है। तो इस प्रकार से अगर आपका मैसेज आया होगा, इसका ये मतलब है कि आपका जो फॉर्म है उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है ही है, ठीक है। मतलब कि आपका जो फॉर्म है वो संदिग्ध सस्पेक्ट की स्थिति में है, तो इस केस में आपको करेक्शन कराना होगा। अगर करेक्शन वाला कोई ऑनलाइन तरीके से डाटा गलत होगा, तो जैसे मार्क्स मिसमैच की समस्या हो गई और इनरोलमेंट नंबर की समस्या हो गई, यही सारे बस ऑप्शन आ रहे हैं आपके करेक्शन में। और कोई अगर कहिए कि आपका डाटा गलत है, जैसे कि काफी सारे बच्चों में ये देखा होगा, ये मैसेज आपका तब भी आ सकता है जब आपके में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या होगी या फिर और कोई समस्या होगी, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपका इसका जो सलूशन है ऑनलाइन तरीके से करेक्शन करने के लिए नहीं मिलेगा, आपको ऑफलाइन ही जाकर के कॉलेज में एक एप्लीकेशन कहिए कि सबमिट करना है कि हाँ मेरे में ये समस्या आ रही है। जैसे कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या को ले लीजिए, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि अगर आपके 3-4 भाई बहन आप लोग हैं तो आपका फादर का इनकम लग रहा है, अब एक ही फादर का इनकम आप सभी लोग लगाएंगे तो उसमें डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट या फिर इनकम इनवैलिड की समस्या वगैरह आ जा रही है, तो इसके लिए आपको कॉलेज में एप्लीकेशन देना है और कॉलेज वाले एप्लीकेशन DWO लेवल पे फॉरवर्ड करेंगे। हालांकि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली भी व्यवस्थित हो सकती हैं, ठीक है। आगे चल के जब फिर से जांच हुआ होगा सभी बच्चों का DWO लेवल से, तो वहां से तो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आपको अपने स्तर से, आप खास करके जिनके ऊपर रजिस्टर मोबाइल नंबर ये मैसेज वगैरह आ गया है, उनको खास करके एक बार कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना है। अगर ऑनलाइन तरीके से आपका करेक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर ऑनलाइन तरीके से कुछ डाटा गलत है, जैसे
जैसे कि मार्क्स वगैरह गलत है, इनरोलमेंट नंबर वगैरह गलत है, तो इस केस में आप ऑनलाइन तरीके से करेक्शन कीजिए और सबमिट कीजिए। आज आपकी लास्ट डेट है, इसके बाद से डेट वगैरह बढ़ाई नहीं जाएगी। इनरोलमेंट नंबर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि अगर आपका कल की ये हो सकता है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें पूरा डाटा सही होगा, ठीक है, टोटल जो डाटा उन्होंने भरा होगा पहले वो सही होगा, और फिर भी जा करके वो क्या कर रहे हैं, करेक्शन वाले लिंक पर क्लिक करके और कैप्चा वगैरह फिलअप करके सबमिट कर दे रहे हैं। तो अगर आपका कुछ डाटा गलत नहीं है, अगर आपने सबमिट कर दिया है, इस केस में भी आपको हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी होगी। अगर नहीं सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने करेक्शन के लिंक पे क्लिक करके और कैप्चा फिलअप करके सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, मतलब कि आप करेक्शन की कैटेगरी में चले गए हैं। अगर आपका कहिए कि इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मिसमैच की समस्या तो आ रही है, ठीक है, नॉट मैच कर रहा है या फिर कहिए कि मिसमैच हो रहा है, तो इसकी अगर समस्या आ रही है, अगर आपकी ओर से पूरा डाटा सही है, तब आपको करेक्शन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरा डाटा सही है, वो किसी रीजन की वजह से वहाँ पर मेंशन हो रहा होगा तो वो आपका ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। और जिन बच्चों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर इस प्रकार का अगर मैसेज आ रहा है तो मैसेज वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे, आज ही अपने कॉलेज में जरूर बात करेंगे। अगर आपका ऑनलाइन तरीके से कोई डाटा ओपन नहीं हो रहा होगा, तो यानी कि संशोधन का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा होगा, तो आज करेक्शन की लास्ट डेट है। आज आपको जो भी करना है, चाहे ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन देना है अपने कॉलेज में देना है तो वहाँ पर दे दीजिए। अब डायरेक्टली आप अगर डेट बीत जाती है, डेट चली जाती है, समाप्त हो जाती है, इसके बाद से अगर आप विकास वन यानी कि समाज कल्याण ऑफिस जाकर के भी एप्लीकेशन देंगे तो हो सकता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को मान्य ना करें, यानी फिर कहिए कि सबमिट ना करें, इसलिए कि डेट समाप्त हो गई है। तो जो भी करना है आपको आज के डेट में ही करना है, जितनी भी चीज़ें, चाहे आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन देना है, चाहे ऑनलाइन आपको करेक्शन करना है, आज ही मौका है। और जिन भी बच्चों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है उनको तो देख लेना है ध्यान से, करेंट स्टेटस में क्या किस प्रकार की समस्या है, उस हिसाब से अगर करेक्शन का ऑप्शन ओपन होगा तो करेक्शन करना है, करेक्शन का ऑप्शन नहीं होगा तो एक कॉलेज में एप्लीकेशन दे देना है। हालांकि कई सारे ऐसे इरर्स हैं करंट स्टेटस में, ऐसी समस्याएं हैं जिसका तो ऑटोमेटिकली वो मैनेज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उनका वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, तो इसके लिए आप कॉलेज में एक एप्लीकेशन जरूर दे देंगे, वो आगे चल के सही हो जाए, चलिए अच्छी बात है, चलिए ऑटोमेटिक सही हो जाता है, तो लेकिन आप अपने स्तर से कार्य किए रहेंगे कि हाँ, अगर DWO लेवल पर आपके कॉलेज वालों से मांगा जाता है कि हाँ इस बच्चे का एप्लीकेशन दीजिए क्योंकि उसके में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट दिखा रहा है, तो आपके कॉलेज वाले आपके एप्लीकेशन को DWO लेवल पर फॉरवर्ड कर देंगे। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।